मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंतर्गत वंशागतिकी का आणविक आधार, मॉलिकुलर बेसिस पर किस प्रकार से इनहेरिटेंस होती है, और उसके अंतर्गत पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए आप बिल्कुल सिंपल एक क्लू मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि वो इससे बहुत रिलेटेड नहीं है। जैसे रेल की पटरियां रहती हैं, आपने याद कर लिया, और उसको हमने क्या किया, ट्विस्ट कर दिया, स्क्रैप पट्टी जैसे ट्विस्ट कर दिया। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर याद करने में बहुत ज्यादा आसानी जाएगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहले हम थ्योरी देख लें इसकी थोड़ा। प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में संतानों के रूप में अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न करता है। इस क्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं, राइट? ये हम पढ़ चुके हैं। संतानों के संरचनात्मक क्रियात्मक स्वभाव संबंधी अधिकांश लक्षण जो होते हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, उनके पेरेंट्स के लक्षणों से मिलते जुलते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि संतानों के ये लक्षण अपने जनकों से वंशानुक्रम अर्थात इनहेरिटेंस के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। जीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वंशानुगत होते हैं, आनुवांशिक लक्षण और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं, तथा लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। ओके, ये हम अपने को जब यूनिट स्टार्ट की थी तभी हमने ये पूरी डेफिनेशंस जो है वो अच्छे से याद कर ली थी। एक बार मैं उसको रिवाइज कर रही हूँ, आप ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते बच्चों। अब ये लक्षण जो अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, तो किसके कारण होते हैं? ये होते हैं अनुवांशिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण, और उसी चीज को हमने पढ़ना है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अनुवांशिक पदार्थ कैसे कहलाए जा सकते हैं, उनमें कौन कौन से लक्षण या कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो पहला है, आनुवांशिक पदार्थ की संरचना इस प्रकार की होना चाहिए कि उसमें लाखों जीव जातियों के विविध प्रकार के लक्षणों की आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित हो सके। मतलब जो आनुवांशिक पदार्थ है उसके लक्षण में उनकी आनुवांशिक सूचना इकट्ठा होना जरूरी है। दूसरा क्या है, आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित संकेत सूचनाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति हेतु आनुवांशिक पदार्थ में प्रतिकृति की क्षमता होना चाहिए। प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन, मतलब द सेम। तीसरा है, आनुवांशिक पदार्थ में अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन, वो शो कर सके अपने ट्रेट्स को, उसकी क्षमता होना चाहिए। फोर्थ क्या है, आनुवांशिक पदार्थ में अपनी संकेत सूचनाओं को प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन द्वारा किसी ऐसे पदार्थ में स्थानांतरित करने की क्षमता होना चाहिए जो इन सूचनाओं का अनुवाद या ट्रांसलेशन करके संबंधित प्रोटीन का संश्लेषण करवा सके। देखिए, आनुवांशिक पदार्थ लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेज रहे हैं, ओके, ये क्लियर मैटर है, लेकिन साथ ही साथ क्या कर सके कि जो उनमें जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, उसको वो ट्रांसक्रिप्ट कर सके, मतलब लिख सके, प्रतिलेखित करे, और उसके बाद उसको हम दोबारा से ट्रांसलेट कर सके, कोडिंग डिकोडिंग वाला काम कर सके, ताकि उससे रिलेटेड जो प्रोटीन है उसका भी सिंथेसिस हो सके। तो ये हो गए आनुवांशिक पदार्थ। नेक्स्ट देखें बच्चों, आनुवांशिक पदार्थ की खोज। अब आपको डीएनए है, आरएनए है, आप सब वेल नोन है इनके बारे में, तो क्या आपको लगता है कि ये सब शुरू से ऐसे ही रहा होगा, सबने ऐसे ही पढ़ा होगा? कहीं ना कहीं प्रकृति में विद्यमान था जीव जातियों में, जिसको क्या किया गया, खोजा गया होगा। जब ये अस्तित्व में तो पहले से विद्यमान था, लेकिन जब ये प्रकाश में आया तब से वो अनुवांशिक पदार्थ की खोज चालू हुई। अब किसने की, इसका हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझेंगे। फ्रेडरिक माइशर जो था, उसने सन 1869 में पस सेल, जो मवाद कोशिका होती है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स रहती हैं, उसमें जो न्यूक्लियस केंद्रक था उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, जिसको उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लिन कहा। व्हाइट ब्लड सेल के केंद्रक का जो एक्सट्रैक्ट है उसको न्यूक्लिन कहा। अब अल्टमान 1889 ने ऐसे पदार्थ से प्रोटीन को पृथक किया, और पृथक्करण के बाद बचे पदार्थ को अम्लीय प्रकृति के कारण कौन सा नाम दिया, न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया। फर्स्ट क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी ली, डब्ल्यूबीसी का केंद्रक लिया, केंद्रक उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया,
एक्सट्रैक्ट करा के उससे उसने पूरा प्रोटीन निकाल लिया। अब जो बचा पदार्थ था उसका उन्होंने नेचर चेक किया तो कैसा था वो, एसिडिक इन नेचर। सो उसने उसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियन के कारण उसका नाम न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, लेविन 1909 ने यीस्ट सेल में राइबोज अर्थात शर्करा युक्त न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। इसके पश्चात 1929 में लेविन ने पता लगाया कि न्यूक्लिक अम्ल दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फर्स्ट वन इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, सेकेंड इज राइबोन्यूक्लिक अम्ल। मतलब दो प्रकार के, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड सेकेंड वन इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। दो बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट देखें बच्चों, थ्योरी इसलिए समझा रही हूँ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में इसलिए नहीं आई ताकि आपको इसका बेसिक स्टार्टिंग मालूम होना चाहिए, यू मस्ट नो दैट। अब आते हैं हम डीएनए की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का सबसे पहले फुल फॉर्म आता है एक नंबर में, आप सब अच्छे से वेल नोन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज नोन एज डीएनए। ये किससे मिलके बना होता है, ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड एकलक मोनोमर्स जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड, उनका बना एक बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स, इसको हम इस थ्योरी के बाद डिस्कस करेंगे, आप परेशान मत होइए, इसके जस्ट बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है डीएनए, सभी पादप सभी जंतुओं पूर्व केंद्र की कोशिकाओं तथा अनेक विषाणुओं में भी पाया जाता है। पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में डीएनए का केवल एक ही बृहत अणु पाया जाता है जो प्रोटीन से संबंध नहीं होता, जबकि वेल न्यूक्लियेट सेल्स जो होती हैं उसमें ये प्रोटीन के साथ संबंध होकर न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण करता है। और डीएनए मुख्यतया कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्रों में पाया जाता है जो कैसे होते हैं, सुकेंद्र की जीव होते हैं, परंतु इनकी कुछ मात्रा कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। ये बात आपको क्लियर हुई, अब चलिए अपन इसके बेसिक समझते हैं। डीएनए जो होता है वो तीन घटकों का बना होता है। पहला होता है शुगर, शुगर कंटेंट। डीएनए में पेंटोज शर्करा होती है जो कि डीऑक्सीराइबोज, मतलब उसमें एक ऑक्सीजन नहीं होता उसके फिफ्थ पोजीशन पे। दूसरा बना होता है फास्फोरिक अम्ल अर्थात HPO4। तीसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार। सर्वप्रथम फिशर ने इसकी खोज की, ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, हु डिस्कवर्ड द नाइट्रोजनस बेसिस, तो फिशर डिस्कवर द नाइट्रोजनस बेसिस इन 1880। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरीन क्षारक, बिल्कुल ध्यान दीजिए बच्चों, ये पूरा बेस है आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग का, इसलिए इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना। प्यूरीन क्षारक जो होते हैं ये दो रिंग वाले, टू रिंग स्ट्रक्चर, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना रिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक कंपाउंड में, तो इस प्रकार से जो रिंग स्ट्रक्चर ये दो रिंग वाले एरोमेटिक, ये बिल्कुल एज इट इज नहीं है लेकिन मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल बता रही हूँ। टू रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस हैं जिसमें 6 सदस्यीय पिरिमिडिन वलय के 4 तथा 5 स्थानों में एक 5 सदस्यीय इमिडाजोल वलय लगी रहती है। इतना डिटेल नहीं आएगा आपको, बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि प्यूरीन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एडिनिन तथा गुआनिन। तो अब प्यूरीन क्षारक कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एडिनिन और गुआनिन। और इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे आप याद करोगे, कैसे आपको याद रहेगा कि ये आपको याद अच्छे से रहे, तो पीएजी कैसे याद करेंगे हम इसको, पीएजी ट्रिक आपकी बनी, पी पी यू ए जी, एडिनिन और गुआनिन। इसका पूरा ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि प्यूरीन क्षारक कौन कौन से। दूसरा है पिरिमिडिन क्षारक, ये सिंगल रिंग होते हैं केमिस्ट्री के, इसमें सिंगल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस, और इसके जो नाम है वो दो प्रकार के होते हैं, साइटोसिन तथा थायमिन, साइटोसिन तथा थायमिन। अब लेकिन एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पर जो होता है वो यूरेसिल बेस होता है, लेकिन हम यहाँ डीएनए का कर रहे हैं तो हमको डीएनए से बस मतलब है, तो पिरिमिडीन को कट करो। इसको याद करने का तरीका क्या है,
पिरिमिडीन को कट करो, पिरिमिडीन को कट करो। अब इससे आपको याद रहेगा, कट मतलब सी और टी, तब आपको इसको भी बिल्कुल नहीं भूलोगे आप, PUAG पिरिमिडीन को कट करो, ये पूरा फॉर्मूला हुआ। इसको आप कभी बिल्कुल नहीं भूल सकते, हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारक के बीच में। तो आप अगेन फिर से बोलिए, PUAG पिरिमिडीन को कट करो। तो ये हो गए इनके बेसिक, कि ये तीन ऐसे मेन घटक इंपॉर्टेंट हैं। नाउ नेक्स्ट, ये है फास्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? फास्फोरिक अम्ल। ये फास्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर है, आप अच्छे से याद करिए। सूत्र क्या हो जाएगा? H3, गिनिए आप यहाँ पर, H कितने हैं? तीन है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? H3, P कितना है? सिंगल। O कितने हैं? 1, 2, 3, 4। फास्फोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? H3PO4। ये स्ट्रक्चर है फास्फोरिक एसिड का। ये बेसिक है, हालांकि आपको एग्जाम में बनाने नहीं आएंगे, लेकिन जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी आप आगे का स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते। नेक्स्ट देखें, ये आती है राइबोस शुगर के बारे में। ये क्या है? शर्करा, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर, ठीक है। तो यहां पर ये जो राइबोस शुगर है, यहां पर हम देख रहे हैं, ये राइबोस शुगर है जो होती है आरएनए में, राइबोन्यूक्लिक एसिड में, और ये वाली होती है डीएनए में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में। तो ये राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें, ये आ गए प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बेसिस। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, तो इसमें आ गया एजी, एडिनिन और गुआनिन। ये दोनों कैसे हैं? डबल रिंग स्ट्रक्चर है जो कि प्यूरिन बेसिस है। और यहाँ पर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे, तो ये है साइटोसिन, थियामिन, और राइबोसोम में पाया जा आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल बेस। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। मेनली आपके डीएनए में ये दो बेसिस हैं, साइटोसिन और थियामिन, ठीक है। अब आगे बढ़े, फिर से अगेन आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं। यहां देखिए दो टर्म आती है इसमें, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, दो टर्म आती है आपको हमेशा। एक है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, साइड, मेरी बातों पे बिल्कुल ध्यान से आपको कॉन्सेंट्रेट करना, साइड सारा है, ठीक है। यहां पर दो हैं, कौन कौन से दो हैं? एक तो आपको हो जाएगा बेस या क्षार प्लस शुगर, ये बना लिए न्यूक्लियोसाइड, अर्थात जो प्यूरिन या पिरिमिडिन बेस का एक अणु, और किससे कंबाइंड है? वो शुगर से कंबाइंड है, तो क्या बना लेगा? न्यूक्लियोसाइड। अब सेकेंड टर्म इसमें हमने यूज की है पहले उसमें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज दिस? चूंकि यहां दो थे, यहां दो दो कॉम्बिनेशन थे, तो यहाँ पे आ रहा है तीन का कॉम्बिनेशन, टाइड, टा मतलब तीन, समझने के लिए। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा बेस प्लस शुगर, यानी पेंटो शुगर, हियर मींस पेंटो शुगर, आप कंफ्यूज मत होना, परवा मैडम ने हमको कौन सी शुगर पढ़ा दी। बेस शुगर प्लस क्या आ जाएगा? फास्फोरिक एसिड, H3PO4। जब ये तीन मिल गए तो क्या बना लिया? न्यूक्लियोटाइड। यहां देखो, यहां ध्यान दीजिए बेटो, ये क्या बना रहा है? ये न्यूक्लियोटाइड है, और ये दो अगर हम जोड़ लें तो ये क्या होगा? ये न्यूक्लियोसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं कि किसी भी डीएनए की बैकबोन कैसे स्टार्ट है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये फास्फोरिक एसिड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टेड है शुगर से, देन शुगर कनेक्टेड है प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस से, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन का क्रम क्या होगा क्षारों के आपस में जुड़ने का? ये हो गया यहाँ का सिंगल स्ट्रैंड, और ये अगेन एक सिंगल स्ट्रैंड।
जो है वो हमेशा ऑलवेज कंबाइंड विथ टी। ए किसके साथ जुड़ेगा हमेशा? टी के। या टी किसके साथ जुड़ेगा? ए के। ओके, अब अगर जो जी है, जी ऑलवेज कमिंग विथ सी, गुआनिन ऑलवेज कंबाइंड विथ सी साइटोसिन, और साइटोसिन ऑलवेज कंबाइंड विथ गुआनिन। तो ये इसका बेसिक बैकबोन स्ट्रक्चर है जो आपको एक बार दिमाग में जरूर रखना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। ये सारे बेसिस मैंने आपको समझाए और अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इन 1953 वॉटसन और क्रिक, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस दिशा में बहुत ज्यादा प्रयास किया और उनको इसके लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज भी अवार्ड हुआ था विल्किंस के साथ। तो इन्होंने डीएनए का डबल द्विकुंडल प्रतिरूप प्रस्तुत किया। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक और ये दो, डबल हेलिक्स, ये वन ये सेकंड स्ट्रैंड ऐसा। इसमें उन्होंने क्या बताया कि डीएनए दो समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगेन देखिए, ये सिंगल हो गई और इस प्रकार से ऐसे कई लगी हुई है तो क्या हो गई, पॉली हो जाएगी। सिंपल, माले में एक मोती और बहुत सारे मोती तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गए। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, दोनों श्रृंखलाएं एक केंद्रीय काल्पनिक अक्ष पर राइट हैंड सर्पिला क्रम में एक द्विकुंडली संरचना बनाती है, लाइक दैट ये कैसे राइट एक्सिस पे घूमता जा रहा है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड मोनोमर तीन घटकों से बना होता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और एक नाइट्रोजनस क्षारक का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति प्रति समानांतर एंटी पैरेलल। अब ये इंपॉर्टेंट है, यदि मान लो एक स्ट्रैंड जा रहा है 3 to 5 के उसमें, तो दूसरा स्ट्रैंड जाएगा अगेन यहां से उल्टा चालू होगा 3 to 5 के उसमें, यानी इसका थर्ड कोरिलेट विथ 5 और थर्ड कोरिलेट विथ 5 एंटी पैरेलल होता है। दोनों श्रृंखलाओं के क्षारक एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात एक श्रृंखला में एडेनिन है तो उसके ठीक सामने थायमिन होगा एज वी डिस्कस बिफोर, और अगर गुआनिन है तो उसके सामने साइटोसिन होगा। ये हम समझ चुके हैं पहले से ही, अब आपको बहुत आसान होगा इसको लिखना। फिफ्थ देखें, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के पूरक क्षारक परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े रहते हैं। अब बोथ जो हैं वो कैसे जुड़े रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ए तथा टी के मध्य डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसा होता है। मध्य तीन बंद होते हैं, तो मतलब इसको आपने छोटे से फॉर्मूला से इस पांचवें नंबर के उसको याद कर लिया। सिक्स देखें, डीएनए अणु में प्यूरीन तथा पिरिमिडीन क्षारक लंबवत अक्ष के समकोण पर मुड़े रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगकर सीढ़ी नुमा संरचना बनाते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजेनिक क्षारक मध्य में रहते हैं तथा शर्करा और फास्फेट पृष्ठभूमि या बैकबोन में बनते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल बनाया, एक दूसरे के ऊपर ये क्या है, लंबवत अक्ष में सारे क्षारक जुड़े हुए हैं, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इसके बाजू में ये पट्टी है, इसमें शुगर और पेंटोज फास्फोरिक अम्ल आ रहा है। डीएनए की कुंडलीकृत संरचना को एक चक्र की लंबाई 30 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें 10 क्षारक जोड़े होते हैं। मतलब अगर हम कुंडली इसको अनहोल्ड अनफोल्ड करें तो ऐसा देखें तो इसमें एक उसमें 10 ऐसे जोड़े क्षारक के आएंगे, और इसमें क्या होता है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, यहाँ लिखा है डीएनए की एक चक्र की लंबाई 30 एंगस्ट्रॉम, ये 30 एंगस्ट्रॉम में फोल्ड हो जाते हैं, तो कुंडलित होते हैं, और दोनों क्षारक जोड़ों के मध्य 3.4 इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये था डीएनए का स्ट्रक्चर, और अब हम इसको अगर आपको डायग्राम्स बनाने आता है तो बच्चों, अभी इसके पहले जो मैंने आपको समझाया ये 3D इमेज है। 3D इमेज इसलिए समझाई ताकि आपको दिमाग में रहे कि किस प्रकार से डबल हेलिक रूप से घूमा रहता है सीढ़ीदार संरचना में। और अब ये वाला डायग्राम आपको क्या करना है, बनाने आएगा एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छे से इसको ऐसे कलरफुल बनाइए, जितना अच्छा आप यहाँ पे बनाएंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करेंगे। तो ये था बच्चों हमारे वंशागतिकी के आणविक आधार डीएनए का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए पैकेजिंग